सबसे पहले हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर इस तरह से ब्लैंक पेज खुलेगा, तो वहाँ पे आपको लेयर ऐड करनी है 4-5। फिर पहले लेयर पे आना है, फिर वहाँ पे आपको कलर चूज़ करना है, रेड सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद थोड़ा कलर चेंज करना है, थोड़ा डार्क करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे ऊपर के वाले ऑप्शन में जाना है और ये स्क्वायर लेना है, उसमें फिल ऑन करना है और इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप देना है। फिर लेयर में जाना है, यहाँ पे लेयर को मूव करने का ऑप्शन आता है इस तरह का, उसमें आपको जिस तरह देख रहे हैं आप उस तरह करना है आपको। डॉट डॉट पे क्लिक करना है, उसको एंगल देना है, इस तरह से शेप देना है। ये लारी का ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का भाग है। फिर इस कलर को थोड़ा डार्क करना है और लाइन वाला लेना है इस तरह से, और लाइन खींचनी है जिसे लुक परफेक्ट है। ये लारी का ऊपर का भाग है, इसके ऊपर आप फ्रूट वगैरह रख सकते हैं तो फ्रूट की लारी बन जाएगी। इस तरह से आपको 4 लाइन ऐड करनी है। तो लाइनिंग का काम हो चुका है, अब बॉर्डर बनानी है हमें। लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना है और इस तरह से बॉर्डर बनानी है आपको। दोस्तों कमेंट आप ज़रूर कीजिए, आपको कुछ कहना हो पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। एक एक करके आपको चारों और इस तरह से बॉर्डर बनानी है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लेते आता रहूँगा। तो ये ऊपर का भाग बन चुका है, अब हम ब्लैक कलर चूज़ करेंगे और लेयर भी चेंज करनी होगी। हम एंगल बनाएंगे, ऐसी एंगल जिस पे टायर जो फिट होते हैं, इस तरह से एंगल बनानी है आपको। तो ये एंगल बन चुकी है, तो एक लारी में दो एंगल आती है, तो एक बन चुकी है। अब इसकी हम डुप्लीकेट लेयर करेंगे और इस कॉपी एंगल को थोड़ा छोटा करेंगे और पीछे की ओर रखेंगे इस तरह से। तो ये बन चुका है ऊपर का हिस्सा, इसे हम सेव करके काइन मास्टर में लेके जाएंगे इसको। तो काइन मास्टर में एक इमेज लेने हैं, उसमें ग्रीन कलर लेना है इस तरह से। फिर इसमें लारी का ऊपर का हिस्सा जो हमने बनाया था वो ऐड करना है। अब हम फ्रेम को फुल फ्रेम करेंगे। अब हम इसमें टायर ऐड करेंगे, इस तरह से आपको टायर ऐड करना है। ये टायर आपको गूगल पे मिल जाएंगे सर्च करेंगे तो। ऐसे 4 टायर लेने हैं, आगे की साइड 2 बड़े और 2 छोटे करने, जो ऐसा लगे जिसका लुक पीछे की साइड आए। 4 टायर होते हैं लारी में। अब हम डुप्लीकेट करेंगे इसका और डुप्लीकेट राइट साइड ले जाएंगे हम। तो 2 टायर हो चुके हैं, अब कॉपी करेंगे एक और डुप्लीकेट फाइल, उसको छोटा करेंगे और पीछे की ओर रखेंगे इस तरह से, इसकी कॉपी। तो ये 4 टायर हो चुके हैं और सबको सेंड टू बैक रखना है, जिससे ये ऊपर का हिस्सा है ऊपर ही रहे और टायर नीचे की ओर चले जाए। तो ये बन चुके ही लारी। अब इसको एक नॉर्मल सा स्क्रीन शॉट मारेंगे, ये स्क्रीन शॉट इसके लिए जो हम लारी खड़े वाला सीन करेंगे उसके लिए। अब हम टायर को घुमाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज से। इन 4 टायर में आपको एनिमेशन देना है, ओवरऑल एनिमेशन में जाना है, फिर उस पर काउंटर वाले जो क्लॉकवाइज होते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये 4 टायर घूमने लगे, बस ये बन चुका है एनिमेशन वाली लारी। इसे सेव कर दीजिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। हम मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।